से बता दिए मैनेजर ताकि हम अपना घर बेच लिए, वहाँ पैसे नहीं मिले हैं, जितना घर में एक एक रुपया है सब बताओ भैया। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, यह अपने आप में एक सवाल है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन घूस का कारोबार या फिर तालीम का मदरसा, आज यह सवाल खड़ा हो रहा है। फाइलों को ऊपर तक पहुंचाने को लेकर रिटायरमेंट तक में वसूली का खेल क्या वाकई में चल रहा है? मदरसे की आड़ में अवैध वसूली का कालो कारोबार आखिरकार कर कौन रहा है? और जांच पर सरकार की निगाहें कब टेढ़ी होंगी? क्या मदरसे के काले कारोबार पर कोई सफेद पर्दा ढकना चाहता है? सेवानिवृत्त शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक प्रबंधक पर लाखों रुपए वसूली के इल्जाम लगाते हैं और दूसरे अध्यापक भी दबी जुबान में इन आरोपों की पुष्टि करते हैं। अब सवाल यह कि कौन सच्चा कौन झूठा। याद कीजिए, कुछ रोज पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा यूपी के तमाम मदरसों की जांच के लिए आदेश दिए थे। तब से ही सियासत के नजरिए से सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम मौलाना और इस्लामिक गुरु इसका विरोध कर रहे हैं, मगर आज एक ऐसा विषय आपके सामने हम रखना चाहते हैं जो मदरसों को लेकर सवाल खड़ा करता है। मामला है लखनऊ से सटे बाराबंकी का और मदरसा है देवा मिसबाहुल उलूम। इस नाम का यह मदरसा है जिसके प्रबंधक की वैसे तो कोई तनख्वाह लिखा पढ़ी में है नहीं, लेकिन लोगों की माने तो प्रबंधक महोदय ने इसी मदरसे से लाखों करोड़ों की संपत्ति बना ली। वो कैसे, यह जांच का विषय है, क्योंकि जांच के बाद ही यह बात सामने आएगी। लेकिन यही एक रिटायर्ड अध्यापक मोहम्मद आसिम के दर्द ने प्रबंधक के तमाम दावे और उनके काम की झलक सबके सामने ला दी है, जिसके बाद मदरसे से जुड़ी तमाम धांधलियों को लेकर परत दर परत पर्दा हटाने की बात की जा रही है। शिक्षक बताते हैं, जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि फाइलों के नाम पर प्रबंधक उनसे 45,000 रुपए मांगे, जिसके सबूत होने का दावा भी शिक्षक करते हैं। बकायदा एक स्टिंग तक जारी किया जाता है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह तो सिर्फ एक बानगी बताई जा रही है। शिक्षक के लगाए गए सारे आरोपों को अगर सही माना जाए तो 41 साल के सेवा काल के दौरान प्रबंधक महोदय उनसे करीब 2,62,000 रुपए बतौर सुविधा शुल्क, यह सुविधा कौन सी है, उनकी तनख्वाह से वसूली कर चुका है। दावे तो यह भी हैं कि इनमें से शिक्षक की भर्ती के नाम पर भी लाखों रुपए की वसूली होती है। अब जब शिक्षकों के वेतन से ही वसूली की जा रही है तो यह कितनी बड़ी धांधली हो सकती है? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल इस मामले पर जब प्रधानाचार्य मौलाना वाजिद सिद्दीकी से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि यह प्रबंधक का मामला है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। अब सवाल यह कि आखिरकार जांच करेगा कौन? पहले आपको सुनाते हैं जो पीड़ित हैं, जो रिटायर्ड अध्यापक हैं इस मदरसे से, मोहम्मद हाशमी साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो सुनिए, और फिर उसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले यह सुनिए और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे, हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ेंगे लाइव, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस हालात को लेकर क्या जांच की जरूरत नहीं है मदरसों में। लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कहना है पीड़ित, क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा प्रकरण यह है कि मैनेजर साहब ने आज तक 2,62,600 रुपए हमसे रिश्वत के नाम पे लिए हैं। कौन से मैनेजर, क्या नाम? मैनेजर मदरसे का, मदरसे के मैनेजर हैं सैयद श्री सैयद अली नज़ीर कादरी साहब। किस मदरसे के हैं? मदरसा मिसबाहुल उलूम श्री बाराबंकी। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिम। जो ये रकम आप बता रहे हैं आपने कब दी?
ये हमने धीरे धीरे दी इनको। किस चीज़ के लिए? कभी इन्होंने मांगा ऑफिस के नाम पर, कभी एरियर पास कराने के नाम पर, और कभी वो सेवानिवृत्त के फाइल बनाने के नाम पर, और कभी कोर्ट में दूसरे टीचर का चल रहा था कोर्ट, मदरसे में तो हार गया उसको, उसको अपना कोर्ट यानी अपनी अपना उसमें केस कराने के चक्कर में हमसे पैसे मांगे। आप आखिरी बार आपने पैसा कब दिया? आखिरी में हम दिया है फरवरी में दिया, फरवरी 22 में। कितना पैसा दिया? 45,000 रुपये नकद दिए मौलाना सलीमुद्दीन साहब को। और आप रिटायर्ड कब हुए? रिटायर हुए हैं 31/3/2022 को। तो ये आरोप संगीन है। इन आरोपों को लेकर जब हमने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना था, अब वो भी सुनिए। देवा में एक मदरसा है, मदरसा मिसबाहुर उलूम आमदानी मदरसा है, जिसके प्रबंधक हैं सैयद नजीर कादरी साहब, और वहाँ एक रिटायर्ड टीचर ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उनसे विभिन्न मदों में उसके नौकरी के दौरान पैसे लिए गए। कल उन्होंने IGRS पर शिकायत की थी और मैं दोनों पक्षों को, शिकायतकर्ता को भी और जिसने शिकायत की थी उनको भी, दोनों को तलब किया था और दोनों के पक्ष सुने। शिकायतकर्ता से कहा गया है कि वो अपना साक्ष्य, अगर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है तो वो भी, और इसके साथ साथ शपथ पत्र उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण के की जांच करो, इसमें नियमानुसार कार्रवाई। तो कौन सच्चा कौन झूठा, ये अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहे हैं, और सवाल इस बात को लेकर भी कि आखिरकार इस मामले की जांच होगी या फिर नहीं, इस मदरसे को लेकर जांच होगी या फिर नहीं, क्योंकि जांच का जिक्र योगी सरकार करती है। मैं सीधा रुक कर रहा हूं इस वक्त, हमारे साथ मोहम्मद आसिम साहब जुड़ गए हैं जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं यहीं से, जो कि मसबा उलूम देव के रिटायर्ड शिक्षक हैं। मोहम्मद आसिम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? आसिम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आसिम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आसिम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करते हैं दोबारा जुड़ने की। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त दानिश भी जुड़ गए हैं। दानिश, ये मामला वाकई में हैरान परेशान करने वाला है। एक तरफ अध्यापक ही जो रिटायर्ड हो चुके हैं शिक्षक, वो इल्जाम लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रबंधक सवालों के कटघरे में। ये प्रबंधक है कौन, किस तरह का मामला है, और इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार जांच क्यों नहीं हो रही है, ये भी एक सवाल है। सवाल इस बात को भी लेकर क्योंकि योगी सरकार तो आदेश जारी कर चुकी है कि मदरसों की जांच की जाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार ने भले ही जांच का आदेश किया हो, लेकिन जो पहलू दर पहलू जो कड़ियां से कड़ियां जुड़ रही हैं, उस बात को लेकर के भी एक सवाल उठ गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो योगी सरकार जांच कराना चाहती है, वो जांच क्या वाकई में सही है या मदरसे को प्रताड़ित करने का एक कोई फार्मूला है। लेकिन जब इस मदरसे पे जब बात आती है, बाराबंकी जिले से सटे हुए जो मदरसा है मिसबाहुर उलूम, इस पर जो एक मामला आया है, अध्यापक है रिटायर्ड आसिम, इन्होंने एक आरोप लगाया है कि 40 साल की सेवा के दौरान इनसे थोड़े थोड़े करके पैसे लिए गए, और उसके बाद इनका सस्पेंशन यानी कि इनको जो रिटायरमेंट का मामला था, रिटायरमेंट से लेकर के नियुक्ति तक और बीच बीच में से थोड़े थोड़े पैसे लिए गए, और तब जाकर के मोहर का खेल चला। इन्होंने इस बात की जो पुष्टि की है वो रिटायरमेंट के बाद की है। इन्होंने एक वीडियो न्यूज़ वर्ल्ड को दिया है, और इन्होंने एक वीडियो जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी दिया है, वो भी नोटरी शपथ पत्र के साथ। इनका कहना है कि हमने शिकायत भी की है, लेकिन इस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई, और हमारा पैसा हमसे लिया गया, और इसमें इसके हमारे साथ साथ कुछ और टीचर भी हैं जो दबी जुबान में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अगर उनसे बात की जाए तो वो भी इस चीज़ को बोलेंगे ज़रूर कि उनसे पैसा लिया गया, लेकिन चूंकि हम रिटायर हो चुके हैं इसलिए हमने खुलासा किया है, बाकी लोग डर के मारे खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, इस चीज़ को लेकर के इन्होंने जिला संख्या कल्याण अधिकारी को भी शिकायती पत्र दिया है, और दूसरा जो है DM को भी शिकायती पत्र दिया है, IGRS मुख्यमंत्री को भी शिकायती पत्र दिया है। इसको लेकर के यहाँ पे जांच बैठी है। ये अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो है, उनका ये बयान आया है कि हम दोनों पक्षों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे हमने बातचीत की है, दोनों पक्षों की हम बैठ करके बात करेंगे, समझौता कराएंगे या फिर जांच करेंगे, ये उनका निजी विषय है। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 4 दिन पहले एक मदरसों को लेकर के जांच बिठा दी है, जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच होगी, और सर्वे का आदेश आज हो गया है।
हालांकि 5 से 10 अक्टूबर तक इसमें एसडीएम हैं और डीएम हैं, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, ये सब जांच करके 5 से 10 अक्टूबर के बीच में रिपोर्ट सौंपेंगे। अब ये रिपोर्ट सौंपेंगे, उस रिपोर्ट में सर्वे में क्या निकलता है क्या नहीं, ये तो उनकी जांच बताएगी। लेकिन एक तरफ तो सरकार का ये आदेश है, जहां पर हो हल्ला हो गया है, हो हल्ला इस बात का हो गया है कि सरकार जो जांच करा रही है तो जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो हो हल्ला भी मचा रहे हैं, उनका ये कहना है कि शायद इस जाँच पर शायद प्रताड़ित करने का भी आरोप लग रहा है। लेकिन एक तरफ दूसरा पहलू ये है कि इस मदरसे में जो घूसखोरी का खेल चल रहा है, भले उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही हो, न्यूज़ इंडेक्स की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो अध्यापक का आरोप है, जो उसने साक्ष्य दिए हैं, उसने शपथ पत्र के साथ बाकायदा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शिकायती पत्र भी दिया है, उस पर आख्या भी लगाई गई है, तो ये सवाल यहाँ पर तय कर रहा है क्या वाकई में योगी सरकार की जांच में कुछ मायने बदलेंगे, या उत्तर प्रदेश सरकार की जांच में वाकई में कुछ सुधार होगा, या सुधार होने के बाद मदरसों की तालीम के पीछे। बिल्कुल दानिश, ये हमारे साथ मोहम्मद हाशमी साहब एक बार फिर से जुड़ गए, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वो इस वक्त लाइव नहीं है। हाशमी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। मोहम्मद हाशमी जी, हम आपकी बात सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन जो आपने आरोप लगाए उसके साक्ष्य हैं आपके पास कि आपसे इस तरह से पैसे वसूले जाते थे, और किस बात के पैसे वसूले जाते थे आपसे? हमसे पैसे वसूले जाते थे गलत आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर हमसे रिश्वत लेते थे मैनेजर साहब। किस बात के वो लगाते थे कि हम हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाते थे? नहीं हाशमी साहब, किस बात के आरोप लगाते थे? आरोप ये लगाते थे कि तुम गलत काम करते हो, तुम लड़ते हो, करते हो, दूसरी बात करते हो, इस तरह आरोप लगाते थे हमारे ऊपर। और तुम वक्त से नहीं आते हो इस तरह के, जबकि हम एक्चुअली बहुत टाइम से जाते थे, आधा घंटा पहले जाते थे मदरसे। नहीं तो पैसे किस एवज में लेते थे आपसे, और उनको पैसे आप क्यों देते थे, और उनका नाम क्या है प्रबंधक का? आपने अब तक बताया नहीं प्रबंधक का नाम क्या है। प्रबंधक का नाम सैयद अली नजीर कादरी है। कादरी साहब जी। तो किस बात के पैसे लेते थे आपसे? इंक्रीमेंट रोक देते थे हमारा गलत आरोप लगाकर। तो और अध्यापकों से भी वो पैसे लेते थे? और अध्यापकों से भी पैसे लिए हैं उन्होंने, लेकिन वो बोलने के हक नहीं है, वो बोल नहीं सकते हैं सेवा काल में। उनको निकाल के बाहर कर देंगे। और हम अब सेवा से जब निवृत्त हो गए, सेवा निवृत्त हो गए, अब हम बोलने का पूरा पावर हम रखते हैं, वरना हमको भी निकाल देते सर्विस नगर काम करते थे। तो ये इसलिए ये जो घूस ली जाती थी कोई विरोध भी नहीं करता था, आप भी अब बात कर रहे हैं, तो लगभग कितना वक्त हो गया, कब से ले रहे थे आपसे ये घूस? ये जब से इनकी नियुक्ति मदरसे में हुई तब से इनका ये चल रहा है मामला रिश्वत लेने का। अंदाजा लगभग कितना वक्त हो गया होगा इनका? वक्त हो गया है सन 8 से ये नियुक्त है वहां पर। लगभग 8 महीने से ये वसूली कर रहे हैं आपका कहना है? 8 महीने नहीं, कम से कम 12-13 साल से वसूली हमसे कर रहे हैं ये। जी तो पैसा कितना ले लिया लगभग आपसे? जो आपने लिया है 2,62,600 रुपए आज तक लिया है। 2,62,000 600 रुपए लिया है। और तो और सेवानिवृत्ति फाइल बनाने में इन्होंने हमें 45,000 रुपए से ले लिए। इनके जो मददगार थे मौलाना कमीलुद्दीन साहब, उनके द्वारा हमसे लिया। अच्छा, उन्होंने मदरसों को लेकर तमाम तरह की धारणाएं भी हैं और योगी सरकार का आदेश भी है, आपने शिकायत नहीं की कि आपके साथ इस तरह से हो रहा है व्यवहार और तमाम शिक्षकों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है? हमने शिकायत की है पोर्टल पर, शिकायत की है मुख्यमंत्री से। और इसके बाद वो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पास आई है जी। उन्होंने हमको तलब किया, हम गए 27 तारीख को, 27 तारीख वो नहीं है, हमको 29 तारीख दिया गया। 29 तारीख को हम गए तो फिर उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो हमने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा आपके साथ इंसाफ होगा, आप परेशान हैं, आपसे वाकई ली गई रिश्वत और हम इसका इंसाफ करेंगे पूरा। अच्छा, ये मदरसों में किस तरह का काम हो रहा था वहां पर, और किस तरह से ये प्रबंधक को लेकर आप कुछ और शिकायतें भी हैं, या फिर सिर्फ घूस वाला मसला है? नहीं, वहाँ बड़े बड़े मामलात हैं, वहाँ पर मामलात ये हैं कि बिजली चोरी से जला रहे हैं ये लोग। बिजली चोरी चोरी से जला रहे हैं।
बिजली चोरी कैसे होती है वहाँ? वो बिजली चोरी इसलिए होती है कि दूसरे की बिजली से वो जो है ओवरलोडिंग बिजली चोरी से संबंध का ही लोग मतलब लेते हैं, चोरी से लेकर अपने मदरसे में जलाते हैं, उसमें प्रिंसिपल साहब और अच्छा बिजली चोरी होती है और क्या होता है? उसमें पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती मदरसे में, शिक्षकों की भर्ती पर 20 से 25 लाख रुपया एक पर लेते हैं। ठीक, बलेंदु सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं। सिंह साहब मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बलेंदु सिंह साहब, सिंह साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सिंह साहब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। सिंह साहब आप सुनना चाह रहे हैं या फिर होल्ड कर दिया? ओके, होल्ड कर दिया। बलेंदु सिंह साहब हैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इन्होंने अपना फोन लाइव पर आने को स्वीकार किया और उसके बाद इन्होंने फोन होल्ड पर कर दिया सुनकर कि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। खैर कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की, लेकिन दानिश पीड़ित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके आरोप संगीन हैं, वाकई सवाल खड़े करते हैं। दानिश, ये मामला एक तरफ जांच का है और दूसरी तरफ तमाम आरोपों का, और उन आरोपों को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है बाकी सब कुछ होता है। नहीं देखिए, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ऐसी सच्चाई नहीं। देखिए, तालाब में अगर एक मछली गंदी हो तो उसको पूरे को नहीं कह सकते। सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं 90% जहाँ पर पढ़ाई होती है और 10% ऐसे हैं जहाँ पर ये काले खेल होते हैं। लेकिन चूंकि सेवानिवृत्त अध्यापक आसिम जी का जो आरोप है, वो आरोप ये है कि उनसे अपने सर्विस के दौरान उनसे पैसे की लेन देन की बात करी गई, उनसे पैसे लिए गए जिनका उन्हें साक्ष्य एविडेंस के तौर पर दिया है। और दूसरा उनका ये आरोप है कि बिजली चोरी हो रही है। बिजली चोरी हो रही तो वो विद्युत विभाग का मामला है, क्योंकि मदरसे में रिलेटेड एजुकेशन की बात होनी चाहिए, तो वहाँ पर हो सकता हो कि इस मदरसे में एजुकेशन की बात नहीं हो रही हो। फोटो वगैरह में तो साफ साफ दिखाया जा रहा है कि नेतागिरी हो रही है, नेतागिरी चमकाने का अड्डा बनाया गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो मदरसा होता है, जो तालीम होती है कुरान की, वो एक सच्चाई के रास्ते पर की तालीम है, यानी बच्चे को सच्चाई का रास्ता दिखा करके एक तालीम होती है। इसके बाद इसमें जो बेसिक शिक्षाएं होती हैं, मैथ, अंग्रेजी, उर्दू, उनको भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव योगी सरकार ने रखा था, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। मदरसों में पहली सरकारों के मुकाबले में योगी सरकार में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार मुझे लगता है गंभीर है। और उसने अभी 5 दिन पहले एक आदेश कर दिया, तब तो न्यूज़ इंडिया के पास ये फुटेज भी नहीं था, तब तो न्यूज़ इंडिया के पास ये खबर भी नहीं थी। स्टिंग भी हम दिखाएंगे जिस स्टिंग में यह दावा किया जा रहा है कि पैसों का लेन देन हो रहा है। दानिश आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त उमर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। उमर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। उमर साहब, ये बाराबंकी का एक मसला सामने आया जहां पर मदरसों में जो है पूर्व शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षक ही इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां के प्रबंधक घूस लेते हैं और वहां मदरसे में यहां तक कि बिजली चोरी से मदरसा चलाया जा रहा है, और घूस लेने के बाद सवाल यह है कि जो इल्जाम लगे हैं उसकी जांच तक नहीं हो रही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? अगर कहीं कोई भी अनियमितता पाई जा रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये मदरसा सरकारी अनुदान पे चल रहा है या निजी है? ये जो है गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है। एक मिनट दानिश, ये क्या गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है कि मान्यता प्राप्त है? नहीं नहीं, ये देखिए सर, ये गैर सरकारी नहीं है, ये विदाउट सरकारी है। विदाउट सरकारी, ओके। उमर साहब, गैर मान्यता प्राप्त नहीं, तो अगर गैर मान्यता प्राप्त है तो इस पे जो भी कहीं अनियमितता है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कहीं बिजली चोरी का मामला सामने आया है तो उस पे जो भी चोरी एक अलग मसला है। मसला ये है कि वहां के जो खुद शिक्षक हैं रिटायर्ड होने के बाद सवाल उठा रहे कि प्रबंधक उनसे घूस लेता और तमाम अध्यापकों से घूस ली जाती है, उस मामले पर जांच नहीं हो रही है। नहीं तो घूस किस लिए ली जाती है, सवाल ये भी बनता है कि वहां अगर वो मान्यता प्राप्ति नहीं है तो फिर घूस लेने का क्या औचित्य है? घूस किस बात की ली जा रही है, क्या मामला है? ये तालीम के नाम पर वहां प्रबंधक अगर घूस लेते हैं तो आपको लगता है इस मामले की जांच होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए।
चलिए उमर मौनिस साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, सपा प्रवक्ता हैं। ये घूस किस बात को लेकर ली जाती थी और तमाम तरह की बातें और आरोप है, ये आरोप है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस बात की कतई पुष्टि नहीं करता कि ये आरोप सच्चे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि आरोपों की जांच होनी चाहिए और हम इसे धर्म के चश्मे से हरगिज नहीं देख रहे, हम हरगिज भी धर्म के चश्मे से नहीं देख रहे। और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की एक मुहिम रही है कि हम धर्म के आधार पर डिबेट्स चर्चाएं नहीं करते हैं। यह मसला तालीम से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है, इसलिए हम इस खबर को चला रहे हैं। हम बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में इस बात को क्लियर कर दें, हम मदरसा है इसलिए यह खबर नहीं चला रहे हैं, मदरसा है इसलिए इस खबर को नहीं चला रहे हैं। हम खबर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि यह बच्चों की तालीम से जुड़ा हुआ मसला भी है और आरोपों से जुड़ा हुआ मसला भी है। मैं आपको वो स्टिंग दिखाना चाहूंगा जिसमें दावा किया जा रहा है कि पैसों का लेन देन है और फिर हम कह रहे हैं इस स्टिंग की पुष्टि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया नहीं करता। प्लीज इसको प्ले करिए। उनसे बता दिए मैनेजर कि हम अपना घर बेच लिए, रहा पैसे नहीं मिले हैं, जितना घर में एक एक रुपया कसम बता चाहिए उनके लगा हमारा नाम ये लिखा को किसी राज्य नहीं बताओ ये बनाई गई राटी वो चाहिए की ये बनाई गई राटी बिल्कुल बनाई गई राटी ये बनी गई राठी की आई पर ये तो हम ना राजीव भाई की हुए ये तो हम ना कभी नहीं लगा हम कभी नहीं नहीं अच्छा तो गलत भी तो हम काम का एक नाम कराया रहती थी कि नहीं नहीं हाँ कोई सवाल है नहीं जो इससे नंबर काम रहा मतलब बिगाड़े के लिए काम हुआ है। इसमें किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, दावा किया जा रहा है कि पैसों का लेन देन है, फिर हम कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है। कृष्ण मोहन पांडे जी ये बाराबंकी से मसला सामने आया मदरसे का और इसमें पूर्व शिक्षक ही जो रिटायर्ड हो गए हैं वो आरोप लगा रहे हैं प्रबंधक के ऊपर कि वो घूस लेता है वहां पर और घूस के नाम पर लाखों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ योगी सरकार आदेश जारी कर रही है लेकिन इस मदरसे की जांच नहीं हो रही है, आपके संज्ञान में है ये मामला? देखिए मैं आपको बता दूं एकदम निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती रही है और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जहां तक मदरसों की बात है तो हमसे हमने समाज कल्याण के जुड़े जितने भी प्रकल्प थे सब में जांच कराने की एक व्यवस्था प्रारंभ की है जिसमें ये मदरसे भी आते हैं। ये मदरसों का जो एक लंबे समय से एक लंबे कालखंड से सपा बसपा सरकारों में फर्जीवाड़ा जो चलता रहा है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको समझा और उसको जांच का आदेश दिया और ये प्रकरण इस तरह के ढेर सारे ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं, सबकी जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सबसे उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के आदेश तो खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए हुए हैं, अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं मॉनिटर कर रहे हैं लेकिन जो आरोप लग रहे हैं जिन मदरसों पर उनकी भी जांच नहीं हो पा रही है, सवाल ये है क्यों? आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बेहतर ढंग से एक एक मदरसों की जांच करेगी, जो भी इसमें दोषी होगा सबको जेल भेजा जाएगा। हम पहले लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन ऐसे मदरसे हैं जो फर्जी तरीके से फंड लेते थे, कौन कौन से ऐसे मदरसे हैं जहां पे अभी तक अपराध होता रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो संबंधित सारे लोगों की पांडे जी तैयार कर रहे हैं सबको। पांडे जी बच्चों की तालीम से जुड़ा हुआ मसला है इसलिए इस खबर को हम चला रहे हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है वो मदरसा हो या गुरुकुल हो। सवाल ये है कि कई शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार महकमे ने मदरसे का रुख नहीं किया, जब नहीं, या तो फिर किसी की हिम्मत नहीं हो रही उस पर जांच करने की।
की सरकार है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ पे किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सत्य की व्यवस्थाओं को संचालित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो यदि अपराध करता है तो निश्चित तौर पर उस पर जांच होगी, दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिलेगी। इसके लिए आश्वस्त रहे और बड़ी जिम्मेदारी पूरी बात को मैं कह रहा हूँ। चलिए, कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के प्रवक्ता। इनका कहना यह है कि इस मसले की जांच होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन यह जांच हो क्यों नहीं रही, जब अधिकारियों को आदेश है और आरोप लग रहे हैं जिस मदरसे के ऊपर दानिश, उसी मदरसे की जांच नहीं हो रही है? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 2.0 की सरकार में हो या पहले की सरकार हो आदित्यनाथ योगी जी की, तो उसमें इन्होंने मदरसे को लेकर के काफ़ी सुधार किया है। हालांकि मदरसों में तालीम भी मिलती है, बहुत से मदरसे ऐसे भी हैं जो मैंने जानकारी के मुताबिक जो मुझे पता चला है कि मिसबाह उलू मदरसे के आसपास के सटे हुए जितने मदरसे हैं वहाँ पर ऐसा कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई होती है। हो सकता हो यहाँ पर शिक्षा मिलती हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती हो, लेकिन शिक्षा के खेल के पीछे जो अध्यापक की नियुक्ति से लेके ट्रांसफर और जो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के लेके जो खेल चल रहा है उसमें हो सकता हो लेन देन का मामला चल रहा हो। इस बात की भले ही न्यूज़ ऑन इंडिया पुष्टि ना करता हो, लेकिन जो अध्यापक का आरोप है उस आरोप के आधार पे इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले प्रथम दृष्टा बनता था। अगर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चाहते तो वो जाँच कर सकते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहते तो वो जाँच कर सकते थे, और अगर नहीं कर पा रहे तो मुख्यमंत्री ने 5 दिन पहले आदेश किया, उस पर टीम बनाई गई है 5 से 10 अक्टूबर के बीच में, उसी जाँच में इसको शामिल कर लिया जाए। अगर सच हो वो भी सच्चाई सामने हो, सच हो या झूठा ये हम लोग तय नहीं कर सकते, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो भी तथ्य हो वो सामने तो आने चाहिए। कम से कम इतना तो हो सके कि एक आसिम अध्यापक की ने आज आवाज उठाई है सेवानिवृत्त होने के बाद। हो सकता हो कल और भी टीचर हो जिनकी दबी जबान से आवाज फूटेगी कि शायद अब जाँच होगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब मामला रसूखदार होता है या कोई हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल होता है तो उसमें अक्सर शिकायतें दब जाती हैं, लोग आवाज उठाना चाहते नहीं उठाते हैं, लेकिन जब जांचें शुरू हो जाती हैं, जैसे आपने मुख्तार अंसारी का प्रकरण देखा होगा, आजम खान का प्रकरण देखा होगा, जब सरकारें बदली तो आजम खान पे 95 मुकदमे किए गए, जिनमें वो मुकदमे करने वाले कौन लोग थे, वो गरीब लोग थे जो पावरफुल नहीं थे, हाई प्रोफाइल नहीं थे, लेकिन मुकदमों की जांच शुरू हुई। इसी तरीके से मुख्तार अंसारी की जांच शुरू हुई, और उसी तरीके से जब जांच शुरू होगी, जब आदेश मुख्यमंत्री ने किया और इस पर इन्वेस्टिगेशन अगर बैठेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहां पर जाएंगे, जांच करेंगे, जब इसके खुलासे होंगे तब जो लोग खामोश बैठे हैं शायद वो भी सामने आएंगे। एक आसिम के अध्यापक पे मेरा सवाल नहीं है, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जो मदरसे सही चल रहे हैं उनको सरकार का योगदान मिलना चाहिए, जो नहीं सही चल रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उन पर इस चीज की जांच उठानी चाहिए। बिल्कुल दानिश, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश, जो कह रहे हैं पूरे मसले की जांच होनी चाहिए। आखिरकार कौन सच्चा है कौन झूठा है हम तय नहीं कर रहे हैं, लेकिन इल्जाम संगीन है। तो राज्य सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए बकायदा टीमें गठित कर रही है, तहसील और उप जिला अधिकारी के साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सर्वे में जुटे हुए हैं। लेकिन ये आरोप लगने के बाद, क्योंकि 5 अक्टूबर तक मदरसों के सर्वे का काम पूरा किया जाना है, 10 अक्टूबर तक जिलाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपनी है, तो क्या इस मदरसे की भी जांच गंभीरता से होगी जो इल्जाम लगे हैं? 25 अक्टूबर तक डीएम को, शासन को सर्वे को रिपोर्ट देनी है। चलिए इंतजार करते हैं क्या होता है इस मसले को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उनसे बता दिए मैनेजर कि हम अपना घर बेच लिए, पैसे नहीं मिले हैं, जितना घर में रुपया है रुपया बनाई गई राटी वो चाहिए थी।